Oh, marham everyone. Good morning, good afternoon, depending upon the part of the world where you have joined us from. और JVB London की तरफ से बहुत बहुत नए साल की शुभकामनाएं. Oh, marham everyone. Good morning, good afternoon, depending upon the. आज इस नव वर्ष के दिन पे JVB London की तरफ से एक नए 5 अध्याय की लेक्चर सीरीज के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और वी आर प्लीज्ड टू हैव द कंपनी ऑफ डॉक्टर दिलीप सरावगी विद अस टुडे. डॉक्टर दिलीप सरावगी को किसी इंट्रोडक्शन की शायद ज़रूरत नहीं है. ये हमारे बहुत ही खास और प्रिय स्पीकर हैं जो कि हमारे लिए प्रस्तुत होते रहते हैं. हमें हमें अपनी थॉट्स से इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ शब्द बोलूं तो दिलीप जी का एक काफ़ी डाइवर्स और रिच बैकग्राउंड है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक एकेडमिशियन के तहत करी के तौर पे की. इनके पास कई ही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज हैं. जब लास्ट मैंने उनसे बात करी थी तब तक 9 थी. 7 गोल्ड मेडल थे और इंडिया, यूके और बाहर की काफ़ी यूनिवर्सिटीज से इनको डॉक्टरेट हासिल है और विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स जैसे IIMs में प्रोफेसरशिप और विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे पढ़ाया भी हुआ है. वहाँ से डॉक्टर सरावगी ने एक बिजनेस टाइकून की यात्रा प्रारंभ करी. कंप्यूटर पॉइंट जैसे कुछ लीडिंग कंप्यूटर हाउसेस में MD के तौर पे इन्होंने अपनी कंपनी को कामयाबी की ऊंचाइयों पे पहुँचाया. उसके बाद डॉक्टर सरावगी एक कॉर्पोरेट कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे प्रगतिशील हुए और स्पिरिचुअलिटी, डिविनिटी और स्ट्रेस रिलीज जैसे टॉपिक से सैकड़ों कंपनियों और व्यक्तियों के जीवन को ट्रांसफॉर्म किया. इससे भी आगे जाते हुए सरावगी जी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर के राह पे आगे बढ़े. जैनोलॉजी, आगम्स और प्रेक्षा ध्यान जैसे टॉपिक्स पे 20 से भी अधिक वर्षों का अध्ययन और चिंतन किया इन्होंने. और इसके अलावा इनका अपनी साधना पे अटूट विश्वास है और उससे उस पे सदैव ही आगे रहते हैं. ये अधिकतर बहुत मौन का अभ्यास करते हैं, एकांत में साधना करते हैं. लेकिन समनी जी के आग्रह पर और हमारे भी आग्रह पे अब समनी डॉक्टर सरावगी अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए हमारे साथ जुड़ते हैं. तो आज डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं एंड इट्स अ सीरीज ऑफ 5 लेक्चर्स. दिस इज द फर्स्ट ऑफ द 5 एंड वी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ देम एट द सेम टाइम ऑन सब्सिक्वेंट संडेज. सो ओवर टू यू डॉक्टर साहब. आराध्य देव के चरणों में सत सत वंदन. वंदे गुरुवरम, वंदे भगवन. सर्वप्रथम तो आज नए साल के प्रथम दिवस पे मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और हम सब के लिए यही मंगल कामना करता हूं कि हमारे गुरु का आशीर्वाद, हमारे गुरु की कृपा हम सब पे बनी रहे, आशीर्वाद मिलता रहे और हम हमारे गुरु की शरण में रहे. कहते हैं ततह किम ततह किम ततह किम ततह किम कि सब कुछ मिल गया, चाहे आध्यात्मिक पक्ष में हो चाहे भौतिक पक्ष में, लेकिन अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला, गुरु की कृपा अगर हमारे साथ नहीं है तो सब कुछ मिलने के बाद भी अधूरा है. मैं फिर से
हम सब के लिए यह मंगल कामना करता हूं कि हमारे गुरु का आशीर्वाद हमसे मिलता रहे, हमेशा मिलता रहे। और अब आइए विषय के विश्लेषण के पहले एक पद्य तीर्थंकर स्तुति के लिए और फिर एक पद्य गुरु वंदना के लिए। आइए हम सब जुड़कर हमारे तीर्थंकरों की स्तुति में एक बक्तामर से एक तीर्थंकर स्तुति का वाचन करेंगे। आप उसका श्रवण करें। स्वाम व्ययम् विभुमचिन्त्य स्म संख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त। गुरु वंदना के लिए अज्ञान तिमिरांदानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पावन परम पुरुष अध्यात्म पुरुष तीर्थंकर के प्रतिनिधि युग प्रधान हमारे गुरु हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी को मैं कोटि से वंदना ज्ञापित करता हूं। और पूरे देश भर में भगवान महावीर के शासन काल में जितने भी साधु साध्वी दीक्षित है उन सबको भी अपनी तरफ से वंदना करता हूं। आज मौका है, मैं वंदना करता हूं मुख्य मुनि को, हमारे धर्म संघ के मुख्य मुनि महावीर जी को, साध्वी प्रमुखा जी को, साध्वी बरिया जी को और सब श्रमणियों को भी, और विशेषकर प्रतिभा प्रज्ञा जी और पुण्य प्रज्ञा जी ने, जिन्होंने अपनी एक विशेष कल्पना से आपको ये एक नया उपहार दिया है इस साल का कि मोक्ष के द्वार क्या है। मोक्ष के द्वार के बारे में ये 5 सीरीज की लेक्चर जो हम सब आपस में मिलके चर्चा करेंगे, उन द्वारों की चर्चा करेंगे कि कैसे हम मोक्ष के द्वार तक पहुंच पाए। कई बार कहते हैं ये पंचम काल है, भरत क्षेत्र है, यहां मोक्ष तो होता ही नहीं। मैं कहता हूं क्या हमने इसकी तैयारी कर रखी है? हमें किसी ट्रेन में चढ़ना है तो क्या ट्रेन आने के बाद हम टिकट खरीदते हैं? हम टिकट खरीद लेते हैं और स्टेशन पे वेट करते हैं कि जैसे ही ट्रेन आएगी उसमें हम चढ़ जाएंगे। अगर हम अपनी तैयारी करके रखें, अपने आध्यात्मिक यात्रा को इतनी प्रशस्त करके रखें कि जैसे ही मौका मिला द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार पे, जब मोक्ष हमें पाना लिखा है
जब मोक्ष के द्वार खुलने लिखे हैं तो हमारे पास टिकट है मोक्ष की, और हम मोक्ष के द्वार पे जाके उनका वेट करते रहे। आज जब इस विषय पर चर्चा करनी थी, मोक्ष के द्वार के ऊपर, गेटवे टू सेल्वेशन, समणी जी ने मुझसे कहा कि चूंकि साल का नया दिन है, नया साल है, आप पूरे विषय को तीन भागों में बांट दीजिएगा। कुछ विचार इस बात पे रहे कि हम नए साल को कैसे मनाएं, इस एक तारीख को, नए साल के प्रथम दिवस को क्या करना चाहिए, पिछले साल को कैसे तो विदाई दें और नए साल का कैसे आह्वान करें, क्या रेजोल्यूशन बनाएं, कैसे रेजोल्यूशन बनाएं। और दूसरा उन्होंने कहा वो ही बात, चूंकि प्रथम दिन है तो कुछ जप के माध्यम से, थोड़ा सा ध्यान के माध्यम से शुरुआत अगर की जाए तो शायद श्रेयस्कर होगा। तो आज हम शुरू में 10 मिनट का ध्यान करेंगे, ध्यान के साथ साथ कुछ अच्छे मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अपने आप को भावित करेंगे कुछ ऐसे मंत्रों से, जाप से, जिससे हमारा आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त हो जाए। फिर मैं आपको बताऊंगा अगले 10 मिनट में कि हम इस साल, पिछले साल को विदाई कैसे दे और नए साल का आह्वान कैसे करें, और फिर जो बचा हुआ 25-30 मिनट जो रहेगा तब अपने पहले विषय का विश्लेषण करेंगे कि ये मोक्ष क्या है और कैसे इस मोक्ष के द्वार तक हम पहुंचे, और फिर द्वारों की चर्चा अगले अगले सत्र में। आइए तो प्रस्तुत होते हैं हम पहले ध्यान के लिए। हम सब एकदम रिलैक्स होके बैठ जाएं। मैं कहूंगा बिना कोई चंचलता और हलन डुलन के, जो एकदम आराम से आप सब बैठ जाएं, आंखें कोमलता से बंद, 10 मिनट एक छोटा सा ध्यान का प्रयोग और साथ में अच्छे अच्छे मंत्रों का जाप। जिन मंत्रों का अगर आपको जानकारी हो तो आप मेरे साथ में जाप का उच्चारण कर सकते हैं, नहीं तो जाप का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम ओम की ध्वनि के साथ आंख बंद करके, आंखें कोमलता से बंद करके हम प्रारंभ करते हैं आज का ये ध्यान का प्रोग्राम। चित शांत, मन प्रसन्न, चित शांत, मन प्रसन्न, पूरी एकाग्रता। कुछ लंबे और गहरे श्वास एकाग्रता के लिए,
सर्वप्रथम मंगल भावना से हम प्रारंभ करेंगे आज के ध्यान का सत्र। श्री संपन्नो हम मैं आभा संपन्न बन संपन्नो हम मैं लज्जा संपन्न बन संपन्नो हम मैं बुद्धि संपन्न बनूं धृति संपन्नो मैं धैर्य संपन्न बनूं शक्ति संपन्नो मैं शक्ति संपन्न बनूं शांति संपन्नो मैं शांति संपन्न बनूं नंदी संपन्नो मैं आनंद संपन्न तेज संपन्नो मैं तेज संपन्न बनूं शुक्ल संपन्नो मैं पवित्रता संपन्न बनूं श्री री धी धृति शक्ति शांति नंदी तेज शुक्ल इन नौ मांगलिक तत्वों से मैं अपने आप को भावित इन नौ तत्वों की संपन्नता मुझ में प्रवेश कर रही है। चित शांत मन प्रसन्न हम अनुभव करें मेरे जीवन में ये नौ मंगल तत्व श्री प्री धी धृति शक्ति शांति नंदी तेज और शुक्ल प्रविष्ट कर रही है मैं इनसे संपन्न बनूं और मैं इनसे संपन्न हो चुका हूं। संपन्नता का अनुभव
चित्त में शांति और मन में प्रसन्नता। अब कुछ मंत्रों का वाचन चल रहा है, हम ध्यान पूर्वक उन मंत्रों को अपने भीतर, एक एक शब्द को अपने भीतर प्रविष्ट करने का प्रयास करें। आरोग्यबोधिलाभम् अनुभव करें, प्रभु से प्रार्थना करें, मेरे जीवन में आरोग्य बोधि प्राप्त हो और सभी लाभों के साथ साथ उत्तम समाधि मुझे प्रदान करें। थम्मो मंगलमुखेठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो। चैता भारं वासं चक्रवर्ती महित्यो संति संति करे लोए पतो गई मनोतरम। चित शांत मन प्रसन्न, अंतिम पद्य के साथ हम ये ध्यान का प्रकरण समाप्त करेंगे। चंदे सुनिमलयरा आइचे सुयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिम अति सन सिद्धा सिद्धिम अति सन सिद्धा सिद्धिम ममतिसं। ओम शांति शांति शांति।
अब आइए इस ध्यान और जप के बाद कुछ मिनटों में मैं आपको बताता हूं, जैसा कि श्रमणी जी ने मुझे इंगित किया, कि हम इस नए साल का आह्वान कैसे करें, हम क्या करें इस नए साल पे, कैसे पिछले वर्ष को विदाई दें और नए साल का आगमन करें। एक प्रैक्टिकल अप्रोच में बताता हूं, हर साल अपने साथ कुछ दे के जाता है, कुछ ले के जाता है। हम सब ने पिछले साल 2022 में बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ खोया भी। आज वो दिन है जब हम पूरे साल का एक लेखा जोखा करें, एक आत्मनिरीक्षण करें, एक आत्मचिंतन करें, इंट्रोस्पेक्शन करें कि हमने इस पिछले गत वर्ष में क्या खोया और क्या पाया। हमारे जीवन में ऐसे क्या बिंदु आए, ऐसी क्या घटनाएं आई, हमारे अचीवमेंट्स क्या क्या थे, हमारे हैप्पी मोमेंट्स कौन कौन से रहे, सुपर हैप्पी मोमेंट्स कौन कौन सी हमारी विशेष फुलफिल रही, कौन कौन से हमारी प्राउड फीलिंग रही कि हमारा ये हमने किया, ये हमने पाया। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर आपने अध्यात्म के क्षेत्र में मास्कमन किया हो, गुरु के दो चार बार दर्शन किए हो, संघ का कोई बड़ा काम किया हो, व्यापार में टर्नओवर डबल ट्रिपल किया हो, आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, परिवार के लिए बहुत कुछ किया हो, परिवार में मांगलिक कार्य हुए हो, इन सब का एक लेखा बनाए कि ये साल हमारे लिए हमें क्या क्या दे के गया, क्या क्या हमने पाया हर क्षेत्र में, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, व्यापार हो, या अध्यात्म हो, या अपने आत्मा के लिए अगर आपने कुछ किया हो, कोई बड़ा अध्ययन किया हो, जाप किया हो, 1,25,000 का जाप किया हो, सिरियारी में स्वामी जी के दर्शन करने स्वामी जी को माथा टेकने आप पहुंच गए हो, तो उन सब का आप लिस्ट बनाइए कि मैंने ये इस साल में ये पाया। और जब पाने की बात आती है तो खोने को भी लिखना पड़ता है कि हमने इस साल में क्या क्या खोया, क्या क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए अपने जीवन में जो लगे कि शायद नहीं होने चाहिए थे, हमारी भूल हुई, हमारी मिस्टेक्स हुई, और उन मिस्टेक्स से हमने क्या क्या सीखा, कहां चूक हो गई हमारे कृतत्व में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचार में, विचार में, भाव भाव में, और उसमें कैसे हम इनसे अपने शिक्षा लेते हुए, कैसे लेसन्स लेते हुए आगे से इन भूल को दोबारा न दोहराया जाए, इसका एक अलग लेखा जोखा करें जो हमेशा हमारे सामने एक टॉर्च बैरर के रूप में रहेगा कि ये गलतियां हमने की जो नहीं करनी चाहिए थी, और ये हमने पाया, गर्व हमें अपने आप पे कि ये हमने किया। ये दो बिंदु। तीसरा बिंदु जो सबसे पहले आना चाहिए ये है, हम उन सब का पहले आभार प्रकट करें, ग्रेटिट्यूड, गुरु से प्रारंभ करके माता पिता भाई बहन परिवार में समाज में सबका, पड़ोस में अड़ोसी पड़ोसी हमारे को कलीग्स वर्कर्स कि किन के सहयोग से आज हम जो है उस शिखर तक पहुंचे, किन किन का सहयोग हमें प्राप्त हुआ उनका आभार प्रकट करें कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आए, इन्होंने कैसे हमारा सहयोग किया, पारस्परिकता बनी, लेट्स पे अवर ग्रेटिट्यूड टू देम, आभार प्रकट करें, कृतज्ञता प्रकट करें उन सबके प्रति कि आप लोगों के कारण आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं।
और लिस्ट बनाए उन व्यक्तियों की जो 20 आदमी की हो सकती है, 25 की हो सकती है। जैसे ही आप लिस्ट बनाओगे, मन से वो उद्गार निकलेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी, वो कॉस्मोस तक पहुंच के जिन जिन व्यक्तियों का आपने नाम लिया है उन व्यक्तियों तक पहुंच जाएगी। और जब आप आभार व्यक्त कर लेंगे तो उसके बाद आता है फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड के बाद फॉरगिवनेस कि आज जैसे तो हम कहते हैं 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना करें, मैं कहता हूं आप सबसे पहले उन कम से कम 25 लोगों को याद करें जिनके पास आप क्षमा मांगना चाहते हो, यू आप उनको क्षमा करना चाहते हो, फॉरगिवनेस, जिन्होंने आपके दिल को ठेस पहुंचाई है और आप आज उन्हें उनके इस कृत्य के लिए क्षमा कर दे, उनके प्रति कोई भी दुर्भावना अपने साथ न चले कि ये साल में इतने लोगों ने मुझे ठेस पहुंचाई, ऐसे लोगों ने मुझे तकलीफ हुई, आज मैं उन सबको तहे दिल से माफ करता हूं। मित्ति में सब भुवेसु वैरम मज्जन के नहीं, मेरा अब कोई वैर किसी से नहीं है। फॉरगिवनेस और साथ साथ में एपोलॉजी। अगर पिछले वर्ष को अगर सही रूप में विदाई देनी है तो इन चार सूत्रों से, इन चार जिसको बोलते हैं ना डायमेंशन से करना चाहिए कि आपने क्या खोया, क्या पाया, किसका किसका आभार, और कृतज्ञता के साथ साथ किससे किससे माफी मांगना है और किसको किसको माफी देना है। बस आपने साल को विदाई दे दी और अब आइए जब नए साल का हम आगमन कर रहे हैं तो मैं एक ही बिंदु सामने रखूंगा जिसको कहते हैं रेजोल्यूशन फॉर द न्यू ईयर, कि मैं एक रेजोल्यूशन बनाए, हम सब मिलके बनाए, एक कॉपी बनाए हमारे नए साल का रेजोल्यूशन क्या है। हमारे गुरुदेव भी बनाते हैं, हमारे गुरुदेव भी लिखते हैं कि इस साल मुझे क्या क्या बड़े बड़े कार्य करने हैं। एक रेजोल्यूशन संकल्प के रूप में होते हैं, एफर्मेशन के रूप में होते हैं, कहते हैं संकल्प से सृष्टि, जहां संकल्प है वही सृष्टि है। जब संकल्प हम करेंगे कि हमें इस साल ये काम करने हैं, ये हमारे जो हमने पिछले साल से सीखा, जाना, समझा, उसके आधार पे नए साल का अंकन जिसको बोलते हैं माइलस्टोन्स कि मुझे ये करना है। हम गृहस्थ में हैं, व्यापार वर्ग के हैं, तो व्यापार में भी अगर टर्नओवर डबल करनी है, ट्रिपल करनी है, डेढ़ गुना करनी है तो हम लिखे मुझे मेरे व्यापार की टर्नओवर ऐसे बढ़ानी है, बॉटम लाइन बढ़ानी है, प्रॉफिट इतना बढ़ाना है, कर्जा पूरा करना है, लिखे ये बैंकों का कर्जा, ये समाज का कर्जा, ये इंस्टीट्यूशंस का कर्जा मुझे ऐसे ऐसे पूरा करना है। परिवार के क्षेत्र में लिखना हो तो लिखें कि मैं इस साल मेरे परिवार के हर व्यक्ति से मैं मुलाकात करूंगा, मिलूंगा, उनके साथ बात करूंगा, क्योंकि आज तो न्यूक्लियर फैमिली बन के रह गई है, हम कब किससे मिल पाते हैं। तो सब परिवार के क्षेत्र में लिखें कि मैं परिवार के लिए मेरा क्या वैल्यू एडिशन होगा इस साल में, और परिवार के लिए होगा तो साथ में समाज के लिए मैं क्या करूंगा, और फिर अपने लिए आध्यात्मिक पक्ष के लिए मैं क्या करूंगा। कुछ बनाए, छोटे छोटे सूत्र बनाए, इस साल मुझे आध्यात्मिक पथ के लिए हमारी आध्यात्मिक यात्रा में मैं क्या करना चाहूंगा। छोटे छोटे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि मैं इस साल पीने में सचित पानी का प्रयोग नहीं करूंगा। एक छोटा सा संकल्प लिया आपने और बहुत बड़ी निर्जरा का एक आप कारण बन गए। पूरा मैं ये नहीं कहता हूं आप पूरे सचित का त्याग कर दो, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आप रात्रि भोजन का त्याग कर दो। एक छोटे छोटे चीज, जैसे 365 दिन में कम से कम 30 दिन में रात्रि भोजन नहीं करूंगा। आज सुबह मैं गुरुदेव के मंगल प्रवचन को सुन रहा था तो वो बोले थे खाली ये करो कि मैं एक जमीकंद कोई भी कर लो, 6 जमीकंद उन्होंने कहा, एक जमीकंद इस साल नहीं खाऊंगा, मैं 125,000 स्वामी जी का जाप करूंगा,
मैं कोई ना कोई ऐसी गाथा, चाहे कल्याण मंदिर हो, चाहे भक्तामर हो, चाहे चौबीसी हो, इनको चितारूंगा, याद करूंगा, कुछ भी अपने रेजुल्यूशन। अच्छा, और नहीं तो इस साल मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, व्यापार में ईमानदारी बरतूंगा। कुछ तो संकल्प करें अपने आगे, अपने जीवन को प्रशस्त करने के लिए। चाहे वो, मैं ये नहीं कहता हूं खाली आध्यात्मिक लेवल पे, मैंने तो सबसे पहले व्यापार की बात की है। आप अपने फायदे की बात करो कि मेरे में कैसे, मुझे क्या करना है, फिर अपने बनाएंगे उसकी प्लानिंग की कैसे किया जाए। कम से कम ये तो कर सकते कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं किसी को दगाबाजी नहीं करूंगा, किसी के साथ नहीं करूंगा, एक संकल्प। और कितना बड़ा काम हो जाता है, पाप भीरुता हो जाती है। अच्छा, आजकल बच्चे बोलते हैं नो क्रिटिसिज्म, नो जजमेंट, ये तो कर सकते हैं कि कम से कम बच्चों को जजमेंट नहीं करूंगा, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, एक रेजोल्यूशन बनाए अपना, कम से कम 20 और 25 पॉइंट का रेजोल्यूशन बनाए। और जब रेजोल्यूशन बनता है, संकल्प होता है, तब संकल्प से सृष्टि बनती है, भाव बनते हैं, विचार बनते हैं, और तब मन में एक भाव उठते हैं कि मैंने ये संकल्प लिया था, प्रण लिया था, मुझे इस साल में ये पूरा करना है। अब इन दो पक्षों के बाद आइए उसकी चर्चा करते हैं, समय तो आज बहुत कम बचा है, लेकिन अब अपने चर्चा करेंगे मोक्ष के द्वार की। जिनको जिनको मोक्ष जाना है, जो जो मोक्ष जाना चाहते हैं, वो इस जूम से जुड़े रहे, और जिनको मोक्ष नहीं जाना है, उनके लिए दो पक्षों की बात हो गई, वो आराम से जाके अपना टीवी देख सकते हैं। और जिन्हें अगर मोक्ष जाने की तैयारी करनी है, जानकारी करनी है, ये तोहफा दिया है समनी जी ने हम सबको कि मोक्ष के द्वारों की चर्चा करें, मोक्ष की बात करें कि हम क्या करें या क्या न करें जिससे हमें मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो आइए उसकी चर्चा, एक थोड़ी सी क्या बोलते हैं, चर्चा परिचर्चा, एक भाव कि ये मोक्ष के द्वार होते क्या है, मोक्ष मार्ग की चर्चा। जैसे बॉम्बे में बोलते हैं ना, गेटवे टू इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया बोलते हैं उसको, गेटवे ऑफ इंडिया, कि इंडिया का गेटवे क्या है। दिल्ली में इंडिया गेट, कि इंडिया का गेट क्या है। तो मोक्ष के भी प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार है, गेटवे टू सेल्वेशन। आज पहले समझिए, अपने विषय का विश्लेषण कर लेते हैं कि मोक्ष होता क्या है। जब हम कहते हैं मोक्ष माने क्या, आइए इसको पहले समझ, विषय को समझ लें, विषय के विश्लेषण पे कर लें, और फिर द्वार पर पहुंचेंगे अपने अगले सत्रों में। मोक्ष एक स्थान है, मोक्ष एक स्थान है, मोक्ष प्राप्त करना माने सिद्ध शिला को प्राप्त करना, उसको बोलते हैं मोक्ष। यानी व्यव, जैसे अपनी चार गति बताई जाती है, नरक गति, त्रियंज गति, मनुष्य गति और देव गति, देव गति के बाद ऊपर एक सिद्ध शिला है, तो मोक्ष माने उस सिद्ध शिला के ऊपर चले, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वहां जाने का मार्ग, वहां जाने का रास्ता। और इसको जो मोक्ष एक शास्त्रीय वर्ड है, और इसका व्यवहारिक वर्ड है मुक्ति, मुक्ति बोलते हैं, इसकी तो मुक्ति हो गई, मुक्ति। तो मुक्ति माने क्या होता है, इसे आइए थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि मुक्ति क्या होती है, और मुक्ति किससे, मुक्ति माने फ्री फ्रॉम, किससे मुक्ति। आज हमें मोक्ष जाना, फ्री होना है, मुक्ति पाना है, किससे मुक्ति पाना है। बोलते ना, अब मुझे बस अब मुक्ति चाहिए, किससे मुक्ति चाहिए, किसके द्वार की चर्चा करें। तो कई लोग कहते हैं सेल्वेशन इज नथिंग बट द इमेंसिपेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ टाइम एंड स्पेस, कि जहां समय और दूरी के बंधन से हम दूर चले जाएं, उसको कहते हैं मोक्ष, मुक्ति। यानी मुक्ति किससे, जहां न कोई समय है, समय भी रुक जाता है, और
दूरियां भी रुक जाती है, यानी न काल है और न कोई दूरी है, न क्षेत्र है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलें तो कहते हैं कि भाई जो संसार में दो ही चीजें, एक प्लेजर और एक पेन, तो फ्री फ्रॉम प्लेजर एंड पेन ऐसी अवस्था जहां न सुख है न दुख है। और व्याख्या करें तो बोलते हैं फ्री फ्रॉम बर्थ एंड डेथ, जहां न कोई मृत्यु है न कोई जन्म है। और अब इन सब से अगर देखा जाए तो अब हम निकालते हैं कि अगर हमें मुक्ति प्राप्त करनी है, इन तीनों तक पहुंचना है, जो तीनों को बताया गया जिसका व्यवहारिक स्वरूप है, तो मुक्ति किससे? सबसे पहले अब एक एक करके समझिए, मैं कुछ 10-15 बिंदु आपके सामने रखूंगा, आज हमें उन 10 या 15 जो भी आते चले जाएंगे उनसे मुक्ति प्राप्त करनी है। सबसे पहली मुक्ति किससे? सबसे पहली मुक्ति है अपने आप से। मुक्ति किससे? स्वयं से। स्वयं माने अपने शरीर से, फ्री फ्रॉम बॉडी। शरीर से अशरीरी की यात्रा ही मोक्ष की यात्रा है। जब ये जो हमारा शरीर है, बॉडी है, चाहे ये नारकी का हो, चाहे त्रियंच का हो, चाहे जानवर, त्रियंच में पेड़ पौधों का हो, चाहे एनिमल्स का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देवताओं का हो, शरीर से मुक्ति। और जब हम कहते हैं शरीर से मुक्ति, तो हम कहते हैं जड़ से मुक्ति। शरीर जड़ है, चेतन नहीं है। तो पहली मुक्ति किससे? शरीर से मुक्ति, शरीर से अशरीर की यात्रा। आगे चलते हैं, मुक्ति किससे? द्रव्य से मुक्ति, पदार्थ से मुक्ति। ये संसार पदार्थों से भरा हुआ है, द्रव्यों से भरा हुआ है, 6 द्रव्यों का ये संसार, इन 6 द्रव्यों से मुक्ति। जहां कोई द्रव्य नहीं, कोई पदार्थ नहीं, जड़ और जड़ता दोनों, जिसको हम बोलते हैं मैटर से मुक्ति, द्रव्य से मुक्ति। फिर कसायों से मुक्ति, बोलते हैं 4 कसाय मानो या 5 कसाय मानो या 9 कसाय मानो, क्रोध मान माया लोभ या काम क्रोध मान माया लोभ या द्वेष घृणा भय और मिथ्यात्व, 9 कसाय भी मानो तो कसायों से मुक्ति। यानी मुक्ति किससे? कसायों से मुक्ति। जब तक कसायों से मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। शरीर से मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। द्रव्य से मुक्ति नहीं, मोक्ष नहीं। आगे चंचलता से मुक्ति, कहीं भी चंचलता है, तन की, मन की, भाव की, विचार की, आचार की, जहां चंचलता है वहां संसार है, और जहां स्थिरता है वहां मोक्ष है। तो चंचलता से मुक्ति, संसार भ्रमण से मुक्ति, यानी जन्म मरण, और वो कब होगा? ये भौतिक संसार है, संसार जो भौतिक सागर है, भव सागर है, इससे मुक्ति। और आगे चले तो राग और द्वेष से मुक्ति, जहां न राग है न द्वेष है, न किसी के प्रति मोह न किसी के प्रति ईर्ष्या। राग और द्वेष से मुक्ति, इच्छाओं से मुक्ति, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं, वासना कामना इच्छा सब खत्म हो गई, सबका दमन नहीं समन हो गया, कोई इच्छा रहे ही नहीं। अगर स्वामी जी भी आके पूछे कि वत्स तुमने मेरे बहुत बार 125,000 के जाप किए हैं, सिरियारी में भी जाके तुमने 13 के बहुत उपवास किए हैं, तुम क्या चाहते हो? बोले इच्छाएं तो कुछ है ही नहीं। जहां इच्छाएं समाप्त हो जाती है, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं। और आगे मुक्ति किससे? मुक्ति अहंकार से, मुक्ति ममकार से। हमारा जीवन 2 पहलुओं पे चलता रहता है, कभी अहंकार और कभी ममकार। तो मुक्ति किससे? अहंकार से मुक्ति। कहीं कोई अहंकार नहीं, ईगो नहीं, अपना अस्तित्व जो ईगो के कारण, जो अपना आई मी माइन, न आई है न मी है न माइन है, ये सब समाप्त हो जाते हैं। अहंकार से मुक्ति, और अहंकार से मुक्ति के साथ साथ
ममकार से मुक्ति, मोह माया सब समन हो गया। न कोई मोह है, न कोई माया है, न कोई लगाव है, न किसी के प्रति कोई भी एक अटैचमेंट है। और फिर और मुक्ति किससे? पाप की प्रवृत्तियों से, सावित्य प्रवृत्तियों से मुक्ति। और मैं तो यूं कहूंगा कि हर प्रवृत्ति से मुक्ति, प्रवृत्ति से निवृत्ति को ये, और मोक्ष की यात्रा है। प्रवृत्ति से निवृत्ति की यात्रा मोक्ष की यात्रा है। तो प्रवृत्तियों से मुक्ति क्या करना है मोक्ष के लिए? क्या करना है? कुछ नहीं करना, यही करना है। जहां कुछ भी करना है वहां संसार है, और जहां कुछ नहीं करना वो मुक्ति है। तो किससे मुक्ति? कुछ करने से ही मुक्ति, प्रवृत्ति से मुक्ति, विचारधारा, भाव, कोई भी कार्य सबसे मुक्ति, निवृत्ति, निशेषम, बस शेष हो गया, अब कुछ बचा नहीं है। अब क्या है? आत्मा में रमण। क्या करते हो? कुछ नहीं, मैं अपने स्वभाव में अवस्थित हो जाता हूं, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और लास्ट में, और लास्ट में कहें तो क्या चीज से मुक्ति? इन सबको आप मिला के जो बोले, जिसको हम अपने बहुत क्या कहते हैं कि आम भाषा में बोलते रहते हैं, कि मैं कहूंगा कर्मों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति। आज हम भव भ्रमण में क्यों फंसे हैं? जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? जो हम इतने इतने भाव ले रहे हैं अनंत भावों में आके, और आगे क्या मालूम कितने भावों में रहेंगे, किसके कारण? इन कर्मों के कारण। तो कर्मों से मुक्ति, तो कर्मों से मुक्ति कैसे पाई जाए? इन सब से मुक्ति कैसे पाई जाए? बड़ा विचित्र प्रश्न है कि कैसे इनसे हम निजात पाए। तो कर्मों को देखिए, आगम में बड़ी चर्चा आती है, सुयोगड़ों में भी है, और सुयोगड़ों के पहले अध्ययन में है, त्युट तेजा, बंधन को जानो और फिर उसे तोड़ो। त्युट तेजा, ये सारे जो है ये बंधन है, बंधन है। तो मुक्ति किससे? एक शब्द में बोला जाए तो किससे मुक्ति? हर बंधन से मुक्ति, हर बंधन से मुक्ति। ये जितने भी मैंने बताई, जड़ता हो, द्रव्य हो, चंचलता हो, भौतिक पदार्थ हो, राग द्वेष हो, इच्छा हो, कामना हो, वासना हो, अहंकार हो, ममकार हो, सावध्य प्रवृत्तियां हो, ये सब बंधन है, ये हमें बांधते हैं। इन बंधनों को जाने और इन बंधनों को जान के इनको तोड़ें। जब इन बंधन को तोड़ा जाएगा तब इन बंधनों से मुक्ति का। तो कोई कहते मुक्ति कैसे प्राप्त करें, मुक्ति के द्वार कैसे है? मैंने कहा इन सब को तोड़ना ही मुक्ति है। जब तक ये सब हमारे जीवन में है तब तक हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि हम चाहते तो है मुक्ति और फंस रहे हैं इसके बंधन में। पेड़ को चारों मेर से पकड़ लिया और फिर कहता है अरे भोई मुझे कोई इस पेड़ से बचाओ। अरे पकड़ तो तुम रखे हो पेड़ को, जब तक पेड़ को पकड़े हुए हो कैसे होगा? गृहस्थ में फंसे हुए हैं, परिवार में फंसे हुए हैं, पदा अर्थ में फंसे हुए हैं, अर्थ सब भौतिक कार्यों में फंसे हुए हैं, लालसा इच्छा सब में फंसे हुए हैं, और मुझे मुक्ति चाहिए। फिर आप मांस खमन करोगे, फिर आप बोलोगे मैं तो इतना जप करता हूं, इतना तप करता हूं, इतना ध्यान करता हूं, मुक्ति क्यों नहीं होती? मुक्ति किससे होगी? बल्कि मैं ये कहता हूं अगर आपने मांस खमन भी किया तो कई बार उस तप का भी बंधन हो जाता है, क्योंकि हमने उसको भी पकड़ लिया। मैंने मांस खमन किया है ना, मैंने कोई बड़ा काम कर लिया, मैंने किया है ना, तो जहां मैंने आ गया अहंकार की पुष्टि हो रही है, मुक्ति कहां हो रही है? आपने संघ के लिए बड़ा काम किया, समाज के लिए बड़ा काम किया, परिवार के लिए बड़ा काम किया, और बोले मैंने ये किया, जहां मैंने आ गया वह मुक्ति है कि बंधन है? आपने स्वाध्याय कर लिया, कफी महाप्रज्ञ जी की किताबों का अध्ययन कर लिया, आगम का बहुत अच्छा अध्ययन कर लिया, आगम के ऊपर मंथन कर लिया,
और आपने कहा मैंने तो 32 के 32 आगमों का अध्ययन किया है। आपका मुक्ति का मार्ग है कि बंधन का मार्ग? मैं कहता हूं वो आगम का स्वाध्याय भी आपको बंधन के मार्ग पे ले जाएगा, अगर आप ये समझते हैं कि आपने आगम पढ़ा और आपने आगम का मंथन किया। क्योंकि मैंने किया, अहंकार की पुष्टि हो गई। मुक्ति किससे? शास्त्र से भी मुक्ति, स्वाध्याय से भी मुक्ति, हर प्रवृत्ति से मुक्ति। आपने पढ़ा और आपने जाना, ये भी मुक्ति। ज्ञान से भी मुक्ति। आत्मा में जो चाहिए वो सारा ज्ञान है, उन्हें मुझे कोई बाहरी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैं तो यहां कहूंगा, उमा स्वाति जी ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। अगर कहीं आगे अपने विश्लेषण पे जाएंगे तो बताऊंगा इसका तात्पर्य जो है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। अपनी भाषा में तो ज्ञान दर्शन चरित्र से मुक्ति ही मुक्ति का कारण बनेगा। सीढ़ी का कार्य होने के बाद सीढ़ी को भी छोड़ना पड़ेगा। ज्ञान का काम होने के बाद, दर्शन का काम होने के बाद, चरित्र का काम होने के बाद, तब भी ये सब सीढ़ी है, माध्यम है। तब हम जाके उस द्वार तक पहुंचेंगे जहां मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो आज हमने आपको सिर्फ ये बताया, मुक्ति किससे? मुक्ति इन सब से, हर जड़ पदार्थ से, हर भाव विचार शरीर तन मन सबसे मुक्ति करना है। और अब जो अगले 4 कक्षाएं हमारे पास है, ये 4 द्वार जो मोक्ष के चारों मेर 4 द्वार, हम उनकी चर्चा करेंगे कि ये क्या द्वार क्या चीज के हैं, हम क्या करें। ये तो हमने मुक्ति तो समझ ली, इसका होमवर्क तो समझ लिया, ये तो होमवर्क के रूप में है, एलिजिबिलिटी है। लेकिन अब ये 4 द्वार कौन से हैं और उन द्वार तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मोक्ष के 4 चतुर्याम द्वार है। मैं व्रत की बात नहीं कर रहा, मैं तप की बात नहीं कर रहा, मैं स्वाध्याय की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूं, यहां तक कि मैं चारित्र की बात भी नहीं कर रहा। बोलते हैं ना कि कितना कितना ओगा, अगर सुमेरु पर्वत तक ओगा भी पाल लिया तब भी जाके क्या होता है, काज सरिया ना कोय, तब भी काज नहीं सरा, यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिर्फ चरित्र पालन करना, सिर्फ कोई एक कार्य का पूरा कर लेना मुक्ति का मार्ग, मोक्ष का मार्ग नहीं बनता है। उसके लिए अलग 4 द्वार है, उनकी हम चर्चा करेंगे अगली 4 कक्षाओं। तो आज हमने मुक्ति के बारे में जाना, नए साल के बारे में जान लिया, कैसे इसका आगाज किया जाए, कुछ जप और मंत्रों का प्रयोग किया। अब जो 5 मिनट हमारे पास शेष है, इसमें जैसा कि पूर्व निर्धारित है, प्रश्नोत्तर। कोई भी आपके प्रश्न हो तो आप मुझे निसंकोच पूछ लीजिए, उसके बाद हम आज के सेशन का समापन करेंगे। ओम अरहम। शुभम, बैक टू यू। नाउ यू कैन आस्क योर ऑडियंसेस टू पुट फॉरवर्ड ऑल द क्वेश्चंस टू मी इफ देयर इज एनी। ओम अरहम दिलीप जी, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। आप जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लिफ हैंगर पे लाके आपने खड़ा कर दिया है। पर्पस वही था, दैट वाज द होल पर्पस, कि आपने मोक्ष की इतनी अच्छी परिभाषा दे दी है कि आई एम श्योर एवरीवन इज नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि अब इसमें कहाँ कैसे पहुंचा जाए। और जो आप 4 द्वार बताएंगे वो तो आप ही बताएंगे, लेकिन हाँ एक रास्ता मुझे जो समझ में आया वो ये है कि आपके लेक्चर्स को सुन के आपने जब एक्सप्लेन किया उसे तो उसका आभास ऑलरेडी हुआ, तो मेरे ख्याल से आपके लेक्चर सुनना इज ऑल्सो एक मोक्ष का द्वार होना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो ये उसका डिस्क्रिप्शन सुनना ही अपने आप में एक आनंदमय अनुभव था। तो इस विचार के साथ
अगर कोई हमारे श्रोता अगर कोई अपने सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ एट दिस पॉइंट एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव. थैंक यू वेरी मच. इट वॉज अ वेरी बहुत अच्छा टॉक था. आपको या ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ. आई फेल वेरी शांत चित, सब सब कुछ हो गया उसमें 10 minutes में. आई फेल वेरी गुड. क्वेश्चन ये है, आपने बोला पहले जड़ से मुक्ति, जड़ मीन्स शरीर से मुक्ति. So how do you do it in practical way, jhad se mukti? Because we are very attached to our body, because we eat, drink, everything is according to our what you call indriyas. Hamara sukh wo leti hai. So we eat according to our man, and I mean drink. I mean everything is according to our wishes. So how do you free yourself from the body? This part and story sunna cha rahe hain. अभी तो खाली ट्रेलर दिखाया है. आप क्लाइमेक्स के बारे में जानना चाहते हैं. वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, चूंकि आपने जब प्रश्न किया ही है, कि जब तक कर्म रहेंगे तब तक कोई ना कोई शरीर रहेगा. द बॉडी इज अटैच टू कर्मास. जब तक हमारे कोई भी कर्म बचे रहेंगे, वी विल ऑटोमेटिकली गेन द बॉडी एज पर अवर कर्मा. तो शरीर से मुक्ति कब होगी? जब कर्मों से मुक्ति होगी. कर्मों से मुक्ति कब होगी? जब कर्मों की निर्जरा हो जाएगी. कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? अगली क्लास में देखिए. ओके. और जड़ इज नॉट ओनली द बॉडी, जड़ इज ऑल द मटेरियल प्रोडक्ट्स आर द जड़. जड़ होता है हर पदार्थ, जड़ है. जिसमें चेतना नहीं है वो जड़ है. यस. हाँ, अद्भुत अद्भुत आंसर है आंद्रे भाई. थैंक यू. लाइक एवरीथिंग इज कनेक्टेड. यस यस. आपको एक चीज, आपको इवेंचुअली आपको मोक्ष चाहिए, लेकिन उसके लिए इट्स नॉट कि आप पार्शियली जा सकते हैं, आपको कंप्लीटली जाना पड़ेगा. एंड एवरीथिंग इज कनेक्टेड. इट्स अ लवली एक्सप्लेनेशन. थैंक यू वेरी मच. बसंत जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं. हाँ, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है. आपने बोला कि ज्ञान दर्शन चरित्र को छोड़ना होगा, ये सीढ़ियां हैं मोक्ष के लिए. तो छोड़ने से, सीढ़ी को छोड़ देंगे तो मोक्ष तक पहुंचेंगे कैसे? सीढ़ी से ऊपर चढ़ने के बाद देखिए, ज्ञान जो है, ज्ञान जो है वो हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान है. हमको बाहर से किसी ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं है. हम बाहर से ज्ञान इस बोल के लेना चाहते हैं जिससे हमारा अंतर ज्ञान खुल जाए. तो ज्ञान दर्शन चारित्र की जरूरत है. कब तक? जब तक हम अंतर्मुखी बन के आत्मा में रमण नहीं करने लग जाए. जब हम आत्मा में रमण करने लग जाएंगे, जब हमारी चेतना आत्मा में केंद्रित हो जाएगी, तब बाहरी ज्ञान, बाहरी दर्शन और बाहरी चारित्र की आवश्यकता नहीं होगी. बहुत सुंदर, प्रणाम. थैंक यू. एनी द लास्ट क्वेश्चंस, बिकॉज़ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द आवर. अदरवाइज दिलीप जी, क्या आप मांगलिक भी सुना सकते हैं? एंड गिव इट अ कमेंट टू द लेक्चर. ओके, आइए मंगल मांगलिक के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं. हम सब हाथ जोड़ के मंगल पाठ सुनेंगे और फिर अगले संडे को ठीक इसी समय 4:30, राइट, सुबह 4:30 to 5:30 अपने चर्चा करेंगे पहले द्वार की. हाँ जी, इंडिया टाइम 4:30 लंदन, एंड आपका टाइम जो भी लंदन टाइम 10:30. सो नाइस, थैंक्स. यस यस, मंगल पाठ के लिए सभी हाथ आनंद केंद्र के पास जुड़े रहे. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोए सर्वसाहुणं. ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व पावपनासनो मंगलाणं च सर्वेसिं
परमं हवैय मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवलीपनतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलीपनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि ओम अरहं शांति शांति।